अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल स्टडीज क्लास 6 चैप्टर 18 बुद्धिज्म एंड अर्ली किंगडम्स। टुडे वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर, बट इन आवर प्रीवियस वीडियो वी स्टडी अबाउट द आंसर क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर 17 एंड वी लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट वी विल डू दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 5 इज refer back to the information in chapter 14 and make a timeline of the invaders of the subcontinent, and the answer of question number 5 is, as you can see here, it is page number 62. The answer of question number 5 of chapter number 17 is Aryans 1500 BC, Persians 500 BC, Greeks 300 BC, Scythians 60 BCE, Parthians 1 BCE, Kushans 50 CE, BCE before Common Era, CE Common Era, ठीक है, Huns 470 CE, Ghaznavids 990 CE, Ghoris 1200 CE, Mongols 1220 CE and Mughals 1526 CE, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 18। लेट्स स्टार्ट। बुद्धिज्म इज वन ऑफ द मेन रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, फाउंड टूडे मेनली इन श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड जापान। बुद्धिज्म एक बहुत अहम मजहब है दुनिया में, जो कि इस वक्त पाया जा रहा है किस किस मुल्क में पाया जाता है, श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना और जापान में। इट वॉज फाउंडेड बाई अ प्रिंस फ्राम नॉर्दर्न इंडिया नेम सिद्धार्था गुतामा, ठीक है। ये किस कहाँ से शुरू हुआ था, एक प्रिंस था, एक शहजादा था जिसका नाम सिद्धार्था गुतामा था, उसने इसकी बुनियाद रखी बुद्धिज़्म की। एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज पैलेस, जब वो 29 साल का था तो उसने अपना महल छोड़ दिया, एंड सीइंग पीपल पुअर इल एंड डाइंग, और लोग उन लोगों से मिलता जो बीमार, गरीब और मरने वाले होते हैं। ही वंडर्ड, वो हैरान होता, वाई ह्यूमन बींग्स हैड सो टू सफर, वो हैरान होता कि इंसानों को इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों होती है, या वो इस कदर तकलीफ में क्यों है। ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड फैमिली एंड वंडर्ड अक्रॉस हिज किंगडम, उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया और अपने खानदान को छोड़ दिया और अपनी बादशाहत में एक जगह से दूसरी जगह फिरता। वंडर्ड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह फिरना, जाना। गिविंग अप ऑल वर्ल्डली गुड्स, और उसने दुनिया की तमाम आसाइशों को छोड़ दिया। एट लास्ट, आखिरकार, ही रियलाइज्ड, और उसने पहचान लिया या जान लिया, दैट पीपल सफर बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस एंड ग्रीड, आखिरकार उसको ये बात समझ आ गई कि जो लोग हैं वो अपनी लाइलमी या जहालत और ग्रीड का मतलब होता है लालच की वजह से तकलीफ में आते हैं। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उसने अपनी बकाया जिंदगी, ही ट्रेवल्ड एंड प्रीच्ड हिज फोर फोल्ड नोबल ट्रूथ, और उसने बाकी अपनी सारी जिंदगी सफर में गुजारी और अपने चार जो नोबल ट्रूथ थे, सच्चाइयाँ थी, उनके बारे में बताया। प्रीच का मतलब होता है उसकी बताना लोगों को, या अपने उसके बारे में आगाह करना। उसके फोर फोल्ड नोबल ट्रूथ क्या थे, फर्स्ट वन इज लाइफ इज सफरिंग, के जिंदगी तकलीफ दे है, सफरिंग इज कॉज बाय ग्रीड एंड इग्नोरेंस, और ये जो तकलीफ है वो लालच और जहालत या लाइल्मी से आती है। सफरिंग कैन बी ओवरकम बाय डिफीटिंग इग्नोरेंस एंड बाय मेडिटेशन, और ये जो तकलीफ है इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है जहालत को हरा के और मुराकबे से, ठीक है। इस जो तकलीफ है इसको लाइल्मी को ख़त्म करके और मुराकबे के जरिए इस तकलीफ पर काबू पाया जा सकता है। पीपल मस्ट फॉलो द एट फोल्ड पाथ, और जो लोग हैं उनको एट फोल्ड पाथ पे अमल करना चाहिए। अब ये जो एट फोल्ड पाथ हैं ये कौन से हैं, ये मैं भी आपको बताती हूँ। दीज वर द एट फोल्ड पाथ्स ऑफ बुद्धा। फर्स्ट वन इज राइट बिलीफ, सही यकीन रखो। राइट थॉट, सही ख्याल। राइट स्पीच, सही बोलना। राइट एक्शन, सही अमल करना। राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सही जिंदगी गुजारना।
राइट एफर्ट सही कोशिश करना, राइट रिमेम्बर सही याद करना, एंड राइट मेडिटेशन और सही मुराक्बा करना। दीज वर द एट फोल्ड पाथ्स। गुतामा वाज कॉल्ड द बुद्धा, गुतामा को बुद्धा कहा जाता, विच मीन जिसका मतलब था द इनलाइटेड वन, रोशन जमीर या रोशन किया गया इंसान। बुद्धिज्म बिलीव इन द साइकिल ऑफ रीबर्थ, जो बुद्धिज्म के लोग हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि दोबारा जिंदगी पर, ठीक है, एक बार मरने के बाद दोबारा जिंदगी पे, ये बुद्धिज्म यकीन रखते हैं। दैट व्हेन एनीथिंग डाई, कि जब भी कोई चीज़ मरती है, इट्स सोल और स्पिरिट इज रीबॉर्न, तो उसकी जो रूह है वो दोबारा जिंदा की जाती है। इफ़ अ पर्सन हैज बीन गुड इन लाइफ, अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में अच्छा रहा हो, ही और शी विल बी बॉर्न इन अ बेटर और हायर पोजिशन, तो वो दोबारा जब पैदा होता है तो वो अच्छा या उससे बेहतर पोजिशन पे आता है। इफ दे हैव बीन विक्ड, अगर वो बुरे रहे हैं, अपनी जिंदगी में बुराइयां की हैं, दे विल बी रिबॉर्न इन अ लोअर स्टेट, तो वो किसी छोटी स्टेट में या छोटी हालत में पैदा होता है। दिस इज कॉल्ड कार्मा, और इस पूरे अमल को कार्मा कहा जाता है, मतलब ये जो रीबर्थ पे उनका यकीन है उस अमल को कार्मा कहा जाता है। दोज हु आर वेरी गुड, वो लोग जो बहुत अच्छे हैं, रीच अ स्टेट ऑफ पीस, तो वो अमन की एक स्टेट तक पहुँचते हैं, कॉल्ड निर्वाणा, और उस स्टेट का क्या नाम है, निर्वाणा कहा, निर्वाणा उसका नाम है। बुद्धिज्म स्प्रेड अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया एंड ग्रेजुअली टू श्रीलंका एंड द फार ईस्ट एंड चाइना। बुद्धिज्म नॉर्दर्न इंडिया में फैला, शुमाली इंडिया के हिस्सों में फैला, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता श्रीलंका और फिर चाइना तक ये बुद्धिज्म का मजहब फैल गया, ठीक है। नेक्स्ट इज म्यूरांट्स। द नेक्स्ट इन्वेजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज अबाउट 300 BCE came from the east। अब जो next अगले इस सब कॉन्टिनेंट में इस बरसगीर पे जो लोग आए या जिन्होंने हमला किया या जिन्होंने आके हुकूमत की, वो मशरक की तरफ से आए थे 300 BCE में, ठीक है, 300 सदी ईस्वी में वो इस बरसगीर में आए मशरक की जानिब से, एंड नॉट द वेस्ट, मगरिब से नहीं आए थे ये लोग, ये मशरक की जानिब से आए थे। द पावरफुल किंगडम ऑफ मौर्यांश एम्परर वाज बेस्ड इन वट इज़ नाउ द मॉडर्न स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, ये इंडिया में एक इलाका है बिहार का। उस वक्त जो पावरफुल ताकत में जो सल्तनत थी मौर्यांश की, वो उस वक्त किस जगह पे मौजूद थी, जो इस वक्त बिहार का इलाका है उस इलाके में ये लोग मौजूद थे। द मौर्यांश कॉन्कर्ड ऑल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड इवेंचुअली टुक द होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब ये जो मौर्यांश थे, इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया को पता कर लिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो इलाका इसको पता किया, अफगानिस्तान का इलाके को पता किया, और ऐसा ऐसा पूरे परेसिगीर को पता कर लिया, एक्सेप्ट द साउदर्न टिप्स वाय, जो जनूब का एक किनारा रह गया था उसके, बाकी इन्होंने सारा इलाका पता कर लिया था। दिस ग्रेट एम्पर वॉज रन बाई वेरी स्ट्रिक्टला, ये जो अजीम सल्तनत थी इसके कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त थे। देर वॉज पुलिस एवरीवेयर टू मेक श्योर द लॉज वर ओबेड, वहाँ हर जगह पुलिस थी जो ये देखती कि उनके कवानीन पे अमल किया जा रहा है या नहीं। द स्टेट ओन्ड ऑल द एलिफेंट्स एंड हॉर्सेज एंड पीपल हैड टू पे टू यूज़ देम, और जो गवर्नमेंट थी या जो हुकूमत थी उन्हीं के अंडर सारे उस वक्त के हाथी और जितने भी घोड़े थे वो सब थे, और किसी इंसान अगर उन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहता तो उसके लिए उसको पे करना पड़ता, पैसे देने होते। बट दो इट सीम्ड हार्श, लेकिन अगरचे ये सख्त महसूस होता है। लाइफ आर मोस्ट पीपल इम्प्रूव्ड एज मैनी स्कूल्स एंड कॉलेज वार ओपन, बहुत से लोगों की ज़िंदगी बेहतर हुई क्योंकि बहुत से स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए। न्यू रोड्स वर बिल्ड, नई सड़कें बनाई गई, एंड पीपल कुड लिव एंड ट्रेवल सेफली, और जो लोग थे वो हिफाजत से रह सकते थे और सफ़र कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द अशोका। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मौर्यांश एम्परर एंड सर्टनली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वाज अशोका, मौर्यांश सल्तनत का सबसे अहम और बेशक जो बहुत अजीम था वो एक रूलर था, मतलब बादशाह जो था उसका क्या नाम था, अशोका था। एट फर्स्ट ही वाज लाइक एनी अदर रूलर फाइटिंग टू इंक्रीज एम्पायर, शुरू में वो बिल्कुल दूसरे हुक्मरानों की तरह ही था कि अपनी
सल्तनत को बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ करते रहना, जंगें करना। आफ्टर वन ग्रेट बैटल टू कॉन्कर द स्टेट कलिंगा, एक बहुत बड़ी जंग जिसमें उन्होंने एक रियासत कलिंगा को फतह किया, ही सा वहाँ पे उसने देखा 100,000 सोल्जर्स लाइंग डेड, जहाँ पे उसने 1,00,000 सिपाहियों को मरते हुए देखा। एंड अनदर 1,500,000 पीपल मेड प्रिजनर, और 150,000 जो लोग थे उनको कैदी बना लिया गया। ठीक है, शुरू शुरू में ये जो अशोका था ये भी आम बादशाहों की तरह था कि हर वक्त अपनी रियासत को बढ़ाने के लिए जंगें करना, लेकिन जब एक जंग में उसने 1,00,000 सिपाहियों को मरते हुए देखा और 1,50,000 लोगों को कैदी होते हुए देखा, दिस अपसेट हिम सो मच, तो इससे वो इस कदर अपसेट हुआ, दैट ही डिसाइडेड ही वुड नेवर गो टू वॉर अगेन, के उसने ये फैसला कर लिया कि वो दोबारा कोई जंग नहीं करेगा, एंड दैट हिज एम्पायर वुड बी रूल्ड बाई पीस, और ये कि उसकी जो सल्तनत है वहाँ पर अमन से हुकूमत की जाएगी। ही बिकेम अ बुद्धिस्ट, वो एक बुद्धिस्ट बन गया, एंड रूल फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पीपल, और तमाम लोगों की भलाई के लिए काम करने लगा। अशोकाज रिफॉर्म्स, अशोका ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए, कौन कौन सी इस्लाहात अपने सल्तनत में की। फर्स्ट वन इज ही अबॉलिश्ड द कास्ट सिस्टम, उसने जातों का सिस्टम ख़त्म कर दिया। देर वार हॉस्पिटल फॉर पीपल एंड एनिमल्स, और लोगों के लिए और जानवरों के लिए हस्पताल बनाए। द हॉस्पिटल्स वार स्टाफ बाई मॉन्क्स हु ग्रू हर्ब्स फॉर मेडिसिन, और जो हॉस्पिटल में जो स्टाफ था वो राहब वहाँ पे स्टाफ के तौर पे काम करते, जो के दवाइयों के लिए जड़ी बूटियाँ उगाते। देर वार रेस्ट होम्स फॉर ओल्ड पीपल, और बूढ़े लोगों के लिए रेस्ट होम बनाए। द किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वार फॉरबिडन, जंगली जानवरों का शिकार मना कर दिया गया। पनिशमेंट वाज मेड लेसर, और जो सजा थी उसको थोड़ा कम कर दिया गया। ऑल रिलीजन्स वार ट्रीटेड अलाइक, और तमाम मजहबों को मजाहिब को एक जैसा ट्रीट किया जाने लगा। एंड टू मेक श्योर द पीपल न्यू व्हाट द लॉज वार, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि लोग ये जान सके कि क्या क्या कवानीन है, अशोका हैड देम कार्व, अशोका ने उनको खुदवा दिया ऑन ह्यूज पिलर्स, बड़े बड़े पिलरों पे एंड रॉक्स और पत्थरों पे थ्रू आउट हिज एम्पायर, अपनी पूरी सल्तनत में। अब अशोका ने लोगों को ये बताने के लिए कि क्या क्या कवानीन है ये लोगों को तक पहुंचाने के लिए, अपने जितने भी कवानीन थे वो सब बड़े बड़े पिलरों पे और पत्थरों पे खुदवा दिए। अशोका लास्ट वार नोन एज एडिक्ट, अशोका के जो कवानीन थे उनको एडिक्ट कहा जाता या हुक्म कहा जाता। ऑफ कोर्स दिस डिड नॉट प्लीज एवरीवन, बिल्कुल यकीनी तौर पर इस चीज़ ने हारे को खुश ना किया। द हाई कास्ट हिंदू सच एज द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास डिड नॉट लाइक देयर पावर बीइंग टेकन अवे, जो बड़ी कास्ट के हिंदू थे जैसे कि ब्राह्मण या क्षत्रिय थे, उनको ये बात पसंद आई कि उनकी ताकत ले ली जाती। व्हेन एवरीवन वाज सपोज्ड टू बी इक्वल, जब हारे को बराबर दर्जा दिया गया। आफ्टर अशोका डेथ, अशोका की मौत के बाद, देयर वर 7 वीक म्यूरियंस एम्परर्स, तो अशोका की मौत के बाद 7 म्यूरियंस जो सल्तनत के थे वीक कमज़ोर से थे वो रह गए। एंड देन द ग्रेट एम्पायर कोलैप्स्ड, और फिर ये अजीम सल्तनत गिर गई या ख़त्म होगी विद द हिंदूज एंड द कास्ट सिस्टम बैक इन पावर, और फिर जो हिंदू थे और उनका जो जातों का सिस्टम था वो दोबारा ताकत में आ गया। ठीक है, आई यू कैन सी हियर इन द पिक्चर अशोका एडिक्ट्स ऑन पिलर्स, ऐसे ऐसे पिलरों के ऊपर उन्होंने कवानीन को खुदवा दिया था। ठीक है, अशोका वाज वन ऑफ हिज एडिक्ट्स पिलर। अ फ्यू थिंग्स अशोका डिड फॉर हिज पीपल, उसने क्या क्या काम किए थे। हॉस्पिटल्स वर बिल्ड फॉर पीपल एंड एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट होम्स वर बिल्ड फॉर ओल्ड पीपल एंड ऑर्फन्स, यतीमों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए घर बनाए। पनिशमेंट्स वर मेड लेस सर्व एंड मैनी प्रिजनर्स रिलीज, पीपल वर स्टिल एग्जीक्यूटेड फॉर सीरियस क्राइम्स बट दे वर गिवन 3 days टू सेटल देयर अफेयर, जो इनकी पनिशमेंट थी उसको कम कर दिया गया और 3 दिन दिए जाते अगर बहुत ही कोई सीरियस क्राइम होता और उसके ऊपर वो सजाए मौत दी जाती, लेकिन उसमें भी उनको 3 दिन दिए जाते कि अगर उनका मामला हल हो सकता हो।
our religions and peoples were treated alike. Ashoka gave large sums of money to Jainism and other beliefs. ठीक है, तमाम मजाहिब को एक जितना एक जैसा ट्रीट किया गया, एक जैसा उनके साथ सलूक किया गया. द किलिंग ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स वर फॉरबिडन दो ईटिंग मीट वॉज अलाउड इंक्लूडिंग बीफ. ठीक है, जानवरों का, जो जंगली जानवर थे उनका शिकार मना कर दिया गया. मंक्स ग्रीव हर्ब्स एंड मेडिसिन फॉर पीपल एंड एनिमल. जो राहिब थे वो जानवरों और इंसानों की ट्रीटमेंट के लिए जड़ी बूटियों का पैदा करते या उनको उगाते. न्यू रोड्स वर मेड विद ट्री प्लांट्स अलॉन्ग देम फॉर शेड. देर वर वेल्स एवरीवेयर एवरी 10 किलोमीटर एंड सम टाइम रेस्ट हाउसेज फॉर ट्रेवलर्स. ठीक है, दीज आर द फ्यू थिंग्स विच अशोका डिड फॉर हिज पीपल. As we have completed this whole chapter, in our next video we will discuss its exercise. Allah Hafiz.